HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 90 के दशक में बॉलीवुड की बोल्ड क्वीन कही जाने वाली ममता कुलकर्णी पिछले काफी दिनों से एक बार फिर चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी को बॉलीवुड में 90 के दशक की सबसे हॉट एक्ट्रेस में गिना जाता था। उस जमाने में जहां अन्य अभिनेत्रियां अपने कपड़े उतारने में एक बार संकोच करती थी, वहीं ममता कुलकर्णी बिना किसी हिचकिचाहट के ही यह काम बेहद सरलता से कर डालती थी। ममता कुलकर्णी का विवादों से बड़ा पुराना रिश्ता रहा है। इनमें से एक बेहद ही संगीन विवाद उनका उस समय के जाने माने एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा के बीच संबंधों को लेकर था। टीनू और ममता के बीच के संबंधों का खुलासा उस वक्त हुआ जब एक्शन डायरेक्टर की पत्नी ने ममता को आपत्तिजनक हालत में टीनू के कमरे में रंगे हाथों पकड़ लिया था। हालांकि ममता ने उस समय यह कहा था कि यह एक साधारण मुलाकात थी, लेकिन बाद में जब दोनों के बीच विवाद हुआ तब जाकर कहीं पता चला कि असली माजरा क्या था। उस समय खबरें यह भी आ रही थी कि टीनू और ममता ने गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली थी।